दोबारा आऊंगी कि तालिबान ने सत्ता हथिया ली, अफगानिस्तान के हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं, हम डिप्लोमेटिक चैनल से उनसे बातचीत करते रहे लेकिन फाइनली वी हैड टू स्टॉप दैट, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन गुरजीत जी, नई सिचुएशन में जमाते इस्लामी, बीएनपी, आमी, ये सब मिलकर जो नई सरकार बनाने वाले हैं, इन पर एक टैग है एंटी इंडिया फोर्सेस होने का। ये भारत के लिए डील करना, बातचीत करना, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, देयर आर सो मेनी अदर प्लानिंग्स आल्सो, कैसे भारत इस सिचुएशन में बांग्लादेश जैसे उस पड़ोसी के साथ जो हमारे साथ सबसे बढ़िया मजबूत संबंधों में रहा, ये डेंट है या फिर वी कैन कैरी फॉरवर्ड विद द विद नॉट द सेम बट विद द गुड वाइब्स इन ऑल। में एक राजनीतिक फोड़ा था जो फूट गया है और उस फोड़े से जो पस निकल रही है वो जगह जगह फैल रही है और किसी को मालूम नहीं वो पस कहां जा रही है। तो अभी तो वह अनार्की। दूसरी बात, जो बांग्लादेश में कल हुआ वो तालिबान ने काबुल में किया और अवाम ने कोलंबो में किया। जब अवाम ने कोलंबो में किया तो राजापक्षा परिवार को वहां से भागना पड़ा, जैसे अभी हमारे मित्र शेख हसीना को करना पड़ा। लेकिन अभी स्थिति क्या है, तालिबान के साथ वो भारत से संबंध बनाना चाहते, राजापक्षा परिवार वापस आ गया श्रीलंका में और अगली चुनाव में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है। तो अभी शेख हसीना, चाहे उनके पुत्र ने जो भी कहा हो, उनको और अवामी लीग को भारत को राइट ऑफ नहीं करना। ये कहने के बाद जो भी इस समय शक्तियां नजर आ रही हैं, राष्ट्रपति, फौज, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबके साथ हमको एक बातचीत करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले 8-9 महीने से ये बातें हो रही हैं। सिर्फ ये जो दायरा था वो शेख हसीना के हाथ में था, ये जो मिलिट्री चीफ है वो तो इस महीने भारत की विजिट पे आने वाले थे। तो ये नहीं है कि हमारे वहां दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण दोस्त को अटाया गया। लेकिन अगर आप समझते हो कि अभी शेख हसीना कहीं चले जाएंगी, जैसे आसार अमेरिका से और ब्रिटेन से जो आपने बताया, मेरे को नहीं लगता उनको जाने की कोई जगह मिल रही है। Absolutely. तो ये जो शॉर्ट हायटस इंडिया में है, ये शायद लॉन्ग क्वाइट स्टे में बदल जाए। भारत इस समय इस चुनौती का सामना कर रहा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल के। इसलिए जो जयशंकर जी का आज बयान है वो इस यही बता रहा है हमें कि ये एक चुनौती है लेकिन इसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हाँ, शेख हसीना हमारी बेस्ट नेबर थी जिसने बांग्लादेश को हमारा दोस्त बनाया। चीन के साथ दोस्ती थी लेकिन भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन हम ये ना भूलें कि चीन सबसे बड़ा क्रेडिटर नहीं है बांग्लादेश, वो जापान है, उसके बाद चीन और रूस आते हैं और फिर भारत है। और भारत और जापान ने एक रीजनल स्ट्रेटजी बनाई है बांग्लादेश। द रियलिटीज ऑफ जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स विल नॉट चेंज द एटीट्यूड ऑफ बांग्लादेश। हाउ मेनी स्टैचूज दे मे टॉपल, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत कर रहे हैं, ये जो नई रिजीम आएगी इसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं कि ये एंटी इंडिया फोर्सेस इसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना भी नहीं चाहेंगे कि नई रिजीम जो आए वो भारत के साथ उतनी ही गर्मजोशी के साथ अंडरस्टैंडिंग में हो जितना शेख हसीना की रिजीम थी। तो पाकिस्तान और चाइना का क्या इसमें रोल हो सकता है? ये तो मुइजू के बारे में बोलते थे इंडिया आउट, अब क्या हुआ इंडिया इन। तो ये हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखानी है, अपने इंटरेस्ट, जैसे शशांक जी ने बोला, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, चुपचाप बैठिए। रियलिटीज ऑफ जियोपॉलिटिक्स विल डॉन ऑन देम। रविंदर जी, इस पर एक क्लैरिटी और दीजिए मुझे कि
चाइना और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पहली बात तो नई रिजीम के साथ, ये नई रिजीम जिस जो इसके की फैक्टर्स दिख रहे हैं वो भारत के लिए कोई बहुत हक में तो है नहीं। जमात इस्लामी का मैं स्पेशली इसीलिए जिक्र कर रही हूं, तो भारत के खिलाफ चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये न्यू रिजीम, ये चुनौती है या फिर वी विल कैरी फॉरवर्ड विद दिस इजीली? एब्सोल्यूट चुनौती है, बट हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे अभी एम्बेसडर कह रहे थे, मेरे माइंड में आया एक शब्द होता है डक डिप्लोमेसी, बत्तख डिप्लोमेसी। बत्तख जब तैरती है तो ऊपर बड़ी शांत दिखती है, पर पानी के नीचे वो अपने पैर जोरों से मार रही होती है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। वन और यस, जो नई सरकार बनेगी, देखिए उसके जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे वो डिप्लोमेटिक ठीक ठीक बातें करेंगे हमारे साथ, राइट? या डिफेंस मिनिस्टर होगा या प्रधानमंत्री होगा इंटरिम या जो इलेक्ट होके आएगा। बट यस, ओवरऑल टेंडेंसी तो ये जो भी सरकार है, पब्लिक ओपिनियन है एंटी इंडिया रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। वन टू थ्री मैं पॉइंट्स क्विक कहना चाहता हूं। अभी खबर आ रही है कि अमेरिका ने वीजा रिजेक्ट किया। आई डोंट नो ये क्या है, बट शायद खबर ये कि अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया है उसको। ओके, उसका जो वीजा था शायद शेख हसीना का, बट आई थिंक आज दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट हुई, प्रश्न पूछा जाएगा कि इसने वीजा का अप्लाई करा, आपने कैंसिल नहीं देने को बोला या जो था उसको रद्द कर दिया गया है। सेकेंडली, रेवोल्यूशन की बात बार बार आ रही है कि केवल प्रोटेस्टर्स का नहीं था। यस, कोई भी रेवोल्यूशन दुनिया में जो हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, एक मुद्दे पे आके टिपिंग पॉइंट आ गया है। जो अंदर हालात इकट्ठे हो रखे थे फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कि एक उन्होंने रेंट इंक्रीज कर दिया, एक नया एस्टेट मैनेजर फ्रेंच सरकार ने या रिपब्लिक ने अपॉइंट कर दिया, लोगों को गुस्सा आया, उस वो एक बिंदु बन गया पूरी जो भड़ास इकट्ठी थी निकालने का। रशियन रेवोल्यूशन जो आया, खाने की फूड की महंगाई हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई। अब आप कहेंगे फूड की शॉर्टेज हुई, अगले दिन तो उसने 1,000 ट्रक लगा दिए, तो फूड की शॉर्टेज नहीं है तो रशियन रेवोल्यूशन होना नहीं चाहिए था। तो रेवोल्यूशंस जो होते हैं, अरब स्प्रिंग आप लीजिए, ट्यूनिशिया में जो शुरू हुआ, चल रहा था, एक इंसान था उसने खुद को आग लगाई थी, आपको हम सबको शायद याद होगा, राइट? तब अरब स्प्रिंग भभक गया। तो पॉइंट इसकी कंडीशंस थी बांग्लादेश में। अच्छा सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी, थोड़ा सा डेविएशन है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, एक सवाल ये भी है क्या कि वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी, सबसे ताकतवर हमारी दोस्ती उसके साथ, लेकिन वहां ये जो 6 महीने से जिसका जिक्र बाकायदा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में एस जयशंकर कर रहे हैं, वी वर नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश। आई थिंक वी वर अवेयर नॉट ओनली 6 महीने, मेरे ख्याल से हम तो पिछले 5-6 सालों से डेफिनेटली अवेयर होंगे। अब दो चीजें हैं, या तो हमने भी शायद थोड़ा मिसकैलकुलेट करा कि कितनी फोर्स है, या हमने जो शेख हसीना को एडवाइस दी उसने हमारी एडवाइस नहीं मानी। दिस कुड बी, बट आई विल एब्सोल्युटली अज्यूम कि हमारे डिप्लोमैट्स, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरा नब्स का पूरा अंदाजा होगा। वन एक लास्ट पॉइंट में रेवोल्यूशन का हो गया, अमेरिका का बार बार जिक्र आ रहा है कि ये जो आइलैंड था अमेरिका को चाहिए था और इसलिए अमेरिका ने यू नो ये तख्ता पलट करवा दिया। मेरे माइंड में सिंपल क्वेश्चन, इतने वाइज माइंड्स यहां बैठे हैं, मुझे आप बताइए, वो मैं सोच रहा हूं कि अमेरिका को अगर एक आइलैंड बेस नहीं मिला, उसने बांग्लादेश के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन करा दिया जिसने पूरा का पूरा जाता है, जो पूरा इस्लाम और चाइना की गोदी में बैठ गया। तो इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। यस, आई अंडरस्टैंड अमेरिका गेम्स खेलता है, प्रेस करता है, बट आई डू नॉट थिंक इन दिस वे कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी चलवाई कि शेख हसीना को निकालो। ये तो कोई भी कॉमन सेंस मेरे ख्याल से हम शायद समझ सकते हैं, अनलेस हमें कुछ अलग गेम हो कि ये पूरा देश वहां गया, क्योंकि ये जो टेररिज्म और इस्लाम